दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR 1 को और अपनी इस ITR के अंदर हम शो करेंगे रेंटल इनकम को प्लस अदर सोर्सेज इनकम को। तो अदर सोर्सेज में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे वो FD का इंटरेस्ट हो, सेविंग का इंटरेस्ट हो, कोई डिविडेंड की इनकम हो। और रेंटल इनकम में हम एक प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम यहाँ पर दिखाएंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी कोई लैंड या प्लॉट हो सकता है, कोई रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कोई शॉप का रेंट हो, शोरूम का रेंट हो। तो प्रॉपर्टी एक ही होनी चाहिए ITR 1 को फाइल करने के लिए। अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी और उसकी रेंटल इनकम होगी तो उस केस में फिर आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी ITR 1 को फाइल कर लेते हैं जहाँ पर आपकी एक प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम होगी और अदर सोर्सेज की इनकम होगी। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो देखिए, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें, वो कोई भी रिटर्न हो, ITR 1, 2, 3, 4, तो अपना यहाँ पर देखिए आपको AIS नज़र आ जाएगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारे ही तरीके की इनकम जो है वो दिखाई दे जाती हैं, चाहे वो आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो, रेंटल इनकम हो, सैलरी हो, पेंशन हो, कोई आपने म्यूचुअल फंड सेल परचेज किए हैं, शेयर सेल परचेज किए हैं, कोई कैपिटल गेन की इनकम हो। तो 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इन दोनों को आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ये चेक कैसे कर पाएंगे, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, उन वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए हम अब अपनी ITR को फाइल कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको ई फाइलिंग में आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कर देना है, असेसमेंट ईयर 2023-24 चूज़ कर लेना है, ऑनलाइन मोड रहेगा। अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए, इंडिविजुअल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ITR 1 फॉर्म चूज़ कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 1, लेट गेट स्टार्टेड। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको, अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, तो ये ओके कर दीजिए। तो सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म करेंगे, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले प्रोफाइल नज़र आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको देखिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, नीचे आ जाइए, आप अदर का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट 139(1) के ऊपर दिखाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, इसको नो कर दीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल आएगी, तो देखिए दोस्तों एक बैंक यहाँ पर आपको वैलिडेट करके रखना है, उसके बाद जो है आप कन्फर्म कर दीजिए। तो मेरा पहला टाइप जो है वो कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम पर आएंगे, तो कुछ आपको इस तरीके से सैलरी की एग्जेम्पशन दिखा देगा। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है और उसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपको जो भी आपके इनकम सोर्स के डिटेल होंगे वो सारे ही दिखा देगा। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी दिखाएगा, तो हमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ दिखा देगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन इन दिस ITR। तो ये ITR 1 के अंदर केवल आप एक हाउस प्रॉपर्टी की ही रेंटल इनकम दिखा सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी आपकी कोई प्लॉट हो सकता है, कोई लैंड हो सकती है, शॉप, शोरूम, हाउस, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ ऐड के ऊपर जो है एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्रिंसिपल पे करते हैं होम लोन के लिए, कोई होम लोन आपने लिया हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट रिडक्शन आपको मिल जाती है। अगर आपकी ने वो प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दी हुई है, आप उसमें खुद रहते हैं, तो आप सेल्फ ऑक्युपाइड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट की रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर रेंटल इनकम आपको आ रही है तो आपको लेट आउट का ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो देखिए मैंने लेट आउट का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि 50,000 रेंट आपको पर मंथ का आता है, तो पूरे साल का रेंट जो हो जाएगा वो 6 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर दी हैं, तो आपका जो रेंट आ गया 6 लाख रुपीज़ आ गया है। तो देखिए जैसे कि आपको सैलरी के केस में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर भी आपको जो भी आपकी ये एनुअल वैल्यू होती है उसकी 30% जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही डिडक्शन मिल जाती है। तो 1,80,000 की आपको डिडक्शन मिल गई। इसी तरीके से अगर आपने कोई म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए हैं, टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटी, तो म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए हैं तो वो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है और उसकी आप इंटरेस्ट की रिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो 50,000 यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर आपको कोई पिछले साल से रिलेटेड मींस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई रेंट आपको अब मिला है जाके, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है वो दोस्तों आ गई है 3,70,000। तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, अब इसको हम कन्फर्म कर देंगे। तो ऐड जब मैंने कर दिया तो दोबारा से आपको इनकम सोर्स डिटेल दिखा देगा। थोड़ा नीचे आ जाइए तो देखिए आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है 3,70,000 वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। उसके बाद हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी हम ऐड डिटेल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी इनकम जो है वो मेंशन करनी है। तो ऐड डिटेल कर लीजिए।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाएगा क्या आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है, तो यस कर दीजिए और अपना जो भी इंटरेस्ट आपका है 12,000 रुपीज़ वो मेंशन कर दीजिए। तो मेरे केस में 12,000 है, मैंने 12,000 मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा क्या आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई एफडी आपने करवा रखी है बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो अगर है तो दोस्तों वो भी मेंशन कर दीजिए। तो मेरे केस में वो भी 1.50 लाख रुपीज़ है, तो यस कर देता हूँ और 1.50 लाख यहाँ मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद कोई और इनकम है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीचे आ जाइए और इसको भी कंटिन्यू कर दीजिए। तो मैंने इसको भी कंटिन्यू कर दिया है, तो दोबारा से ये मुझे इसी पेज पर ले आया है। आप नीचे आ जाएंगे, देखिए आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको नज़र आ जाएगी। फर्दर नीचे आ जाएंगे तो देखिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट से 12,000 का इंटरेस्ट नज़र आ गया है, एफडी से इंटरेस्ट 1.50 लाख आ गया है, तो टोटल 162 का आपका इंटरेस्ट हो गया है। और इस तरीके से आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है सैलरी प्लस अदर सोर्सेज, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर सोर्सेज मिला के 5,32,000 आ गया है। तो अब थोड़ा सा इसको नीचे आ जाइए और अब इसको भी कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए जो मेरी सेकंड इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों वो भी मैंने कन्फर्म कर दिया है। अब हम डिडक्शन के टैब पर आ जाते हैं, तो देखिए डिडक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है दोस्तों, यहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट आपको दिखा देगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए 80C के अंदर, 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। अगर आप कोई PPF में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में करते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस है, आपका जो होम लोन है उसका प्रिंसिपल है, PPF है, तो इस तरीके से कुछ भी डिडक्शन है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप, देखिए तो यहाँ पर आपको सेक्शन 80TTA नज़र आ जाएगा। तो 80TTA की डिडक्शन जो मिलती है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कल जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया है 80TTA के ऊपर दोस्तों। ये डिडक्शन मिलती है अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, तो मैक्सिमम 10,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसको यस कर दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है सेविंग का 12,000 इंटरेस्ट दिखाया है, उसकी डिडक्शन मुझे लेनी है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट आगे आपको फिल करनी पड़ेगी। तो अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने आपको दिखा दिया है सेक्शन 80TTA। तो यहाँ पर आपको अब जो है डिडक्शन क्लेम करने के लिए ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो मेरा 12,000 मैं मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने 12,000 मेंशन किया तो मुझे 80TTA के अंदर मैक्सिमम 10,000 तक की डिडक्शन जो है वो मिल जाती है सेविंग बैंक इंटरेस्ट की। आपका जो सेविंग का इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो बैंक के अंदर आपकी सेविंग अकाउंट हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर हो या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर हो। तो चलिए अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ऐड किया तो 12,000 का मेरा इंटरेस्ट था, 10,000 मुझे एग्जम्पशन या डिडक्शन मिल गई और बाकी 2,000 मुझे टैक्सेबल हो जाएगा। मैं नीचे आ जाता हूँ और इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो तीसरा टैब था दोस्तों वो भी कंफर्म हो चुका है। अब आपको ये जो टैक्स पेड का टैब है इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा किसी भी तरीके का TDS नहीं कटा हुआ है। मैं नीचे आ जाता हूँ, अब इसको भी जो है मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये वाला टैब भी मेरा कंफर्म हो गया है। तो देखिए जब मैंने सारे टैब कंफर्म कर दिए हैं तो दोस्तों जो मेरी इनकम हाई है 5,32,000 माइनस डिडक्शन मैं कर दूंगा इसमें से, तो 18,984 की मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है वो निकल के आ गई है। तो चलिए इसके ऊपर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी इनकम का ब्यौरा इसने दे दिया है। 5,32,000 की मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी, 10,000 की मुझे डिडक्शन मिल गई और मेरी टोटल इनकम 5,22,000 आ गई है। उसके ऊपर जो मेरा स्लैब लगा है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, मैं ITR फाइल कर रहा हूँ तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है, 2.5 से 5% 5 से 10 20 और 10 से ऊपर आपका 30% लग जाता है। तो इस तरीके से इसने 16,900 का टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। थोड़ा नीचे आएंगे 4% एजुकेशन सेस भी लगा दिया है, टोटल टैक्स मेरा हो गया है 17,576। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लग गया है 234B और 234C का। ये इंटरेस्ट जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है अगर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं। तो मेरे केस में जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो बन रही है 17,000। तो आपकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी बन जाती है अगर आपका पूरे साल का टैक्स 10,000 से ज़्यादा होता है। तो मेरे केस में तो 17,000 के आसपास टैक्स है, तो मुझे एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था तो मैंने नहीं पे किया, इसलिए मुझे 234B और 234C का इंटरेस्ट भी लग गया है। तो अब मेरा टोटल जो इंटरेस्ट लगा है वो 1,408 लगा है। तो इसलिए मेरा टोटल टैक्स जो बन गया है वो 18,984 बन गया है। तो मैं नीचे इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए अब मैंने ये भी कंफर्म कर दिया है। देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो अब आपकी ये टोटल टैक्स लायबिलिटी है 18,984 की, अब आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसकी पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट का जो है टैक्स का चलान एक जमा करवाना पड़ेगा। अब वो चलान आप कैसे जमा करा सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले अगर आपका भी कुछ इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाती है तो आपको वो टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे करनी होगी। तो चलिए जब मैं वो टैक्स लायबिलिटी पे कर लूँगा तो देखिए उसके बाद आपके पास एक चलान जो है वो जनरेट हो जाएगा, वो कुछ किस तरीके से दिखाई देगा। तो चलान नंबर 280 आपके पास दोस्तों आ जाएगा जब आप ये पेमेंट कर लेंगे, जहाँ पे आपका पैन नंबर, नेम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और जो अमाउंट है वो दिखाई दे जाएगी। जैसे यहाँ 18,984 है, थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा
तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि दोस्तों जो ये चलान आपने पे किया है इसके नीचे जो ये BSR कोड आ रहा है, चलान नंबर आ रहा है और ये डेट आ रही है जिस डेट को आपने पे किया, वो अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा ताकि आपकी जो वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो हो जाए। तो चलिए दोबारा से हम अपने पेज पर आ जाते हैं। तो जब दोबारा से आप इस पेज पर आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टैक्स पेड अभी जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये टैक्स पेड आपका 18,984 होना चाहिए ताकि ये आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो हो जाए। तो इसके लिए दोबारा से आपको जो ये टैक्स पेड का टैब है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा नीचे आना है आपको, देखिए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स। तो मैंने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो दोस्तों पे कर दिया है, तो मैं शो डिटेल पे क्लिक कर दूंगा, ऐड अनदर कर दूंगा। तो वो जो मेरा BSR कोड था 7 डिजिट का, सीरियल नंबर था और डेट ऑफ डिपॉजिट थी, वो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। तो देखिए चलान नंबर था मेरा, इस चलान के अंदर जो मेरा BSR कोड था वो ये था, चलान नंबर 5 डिजिट का था, BSR कोड 7 डिजिट का था, अमाउंट मेरी 18,984 थी और मेरी डेट थी, ये चारों ही चीज़ें चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं चारों ही चीज़ें, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा और मैं अब इसको कन्फर्म कर दूँगा। तो देखिए आपका एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट 18,984 आ गया, अब मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने कन्फर्म किया तो जो आपका ये टैक्स पेड का टैब था, पहले आपको ये जीरो दिखा रहा था बट अब आपको यहाँ पे इसने 18,984 दिखा दिया है। तो अब आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे दोबारा से आपकी ग्रोस टोटल इनकम दिखा देगा, डिडक्शन दिखा देगा और आपकी टैक्सेबल इनकम दिखा देगा। नीचे आप आएंगे तो देखिए जो आपका टोटल टैक्स बना था दोस्तों वो बना था 18,984, अब इसमें आपने जो है वो टोटल टैक्स आप पे कर चुके हैं। तो टोटल टैक्स पे जब आप शो डिटेल करेंगे तो देखिए आपने जो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो आपको यहाँ इसने दिखा दिया है। अब थोड़ा नीचे आ जाइए और आप प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, अब इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। अब आपको कुछ इस तरीके से पेज दिख जाएगा, आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके सारी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, तो आप सारा फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ उसके अंदर कुछ आपको मिस्टेक लगती है तो उसको एडिट कर लीजिए। तो लास्ट में आ जाइए और लास्ट में आने के बाद यहाँ वेरिफिकेशन का टैब आपको नजर आ जाएगा, अब इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों मेरी ITR1 जो है सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। अगर किसी तरीके की एरर होती तो आपको नीचे दिखा देता, आप उसके ऊपर क्लिक करके उस एरर को ठीक कर लेते। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है 30 डेज़ के अंदर ही वेरीफाई करनी है, पहले आपको ये टाइम जो है 120 डेज़ का मिलता था। अब कंटिन्यू कर दीजिए, उसके बाद मैं आधार OTP से उसको जो है ई वेरीफाई कराना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। अब उसके बाद आई एग्री के ऊपर ये चेकबॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर टिक कर दीजिए, आधार OTP जनरेट कर दीजिए। तो जो आधार OTP आपके पास आया उसको मेंशन कर दीजिए, वैलिडेट कर दीजिए, उसके बाद आपसे ये कन्फर्मेशन मांगेगा, इसको सबमिट कर दीजिए। तो आपकी ITR इस तरीके से देखिए दोस्तों सबमिट हो जाएगी। तो आप भी जो है अगर रेंटल इनकम दिखाना चाहते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम दिखाना चाहते हैं, एक ही हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है या मैं बोल सकता हूँ एक ही प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसकी रेंटल इनकम है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं ITR1 में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।